न्यूज 18 पर हिंसा के चश्मदीद घायल पुलिस वालों से सुनिए पूरी कहानी। जब हम पहुंचे तभी पथराव शुरू हो गया, किसी तरह से हम लोग मौके पर पहुंचे, वहां पर लोग छतों पर पत्थर के साथ मौजूद थे, ये उनकी तरफ से कहा गया। चौतरफा पथराव शुरू कर दिया गया, पुलिस वाले ही उनके टारगेट पर थे, घेराव करके हमला किया गया, हमारी गाड़ियां जला दी गई, हमारे कुछ साथी फंस गए थे, गाड़ियां तोड़कर शरीर पर हमला किया गया। को बनभूलपुरा इलाके में अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी घायल हुए हैं, लेकिन ये कर्मचारी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि काम पर लौट आए हैं और उसी इलाके में सफाई के लिए जा रहे हैं जहां कल इन कर्मचारियों के ऊपर पथराव हुआ है। इधर दिखाऊं मैं ये सारे चेहरे, मैं वहां पर खुद मौजूद था और ये सारे लोग वहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान में शामिल थे और कई सारे अभियानों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कल का जो अभियान था वो जबरदस्त रहा। ये आपको कहां पर किस तरीके की चोट लगी है? सर यहां तीन जगह सिर में पत्थर लगा है और यहां सर ये हाथ नहीं उठ रहा है, इसमें बहुत मोटा पत्थर आगे लगा सर यहां पे। ये सर ये देख रहे हैं आप जो शरीर पर ये निशान है, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की हिंसा वहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, किस तरीके का व्यवहार वहाँ पर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये उनका साहस है कि ये आप लोग उसी इलाके में इस समय सफाई के लिए जा रहे हैं। जी साहब, हम उसी इलाके में सफाई के लिए जा रहे हैं। अब हमको तो ऐसा पता था कि भाई अतिक्रमण होना है करके, लेकिन वहां से ऐसा पथराव हुआ, हम अपने आप को बचा नहीं पाए। ये नगर निगम के कर्मचारियों की हिम्मत है कि कल पत्थर झेले हैं, डंडे झेले हैं और न जाने कौन कौन सी चीजें इन्होंने झेली हैं अपने शरीर में, लेकिन इसके बावजूद इनकी ये हिम्मत है कि ये शहर की सफाई के लिए निकले हैं और विशेष तौर पर उस इलाके की सफाई के लिए निकले हैं जहां से इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18, हल्द्वानी। आदमी की जान बच गई तो बहुत बड़ी बात है। आपको कब पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? आप हमें तो शाम तो मैंने फोन किया था, बोला कि मैं आज नहीं आऊंगा घर, आज ऐसे वहां मेरी ड्यूटी लगी है। उसके बाद ये गए मेरे ख्याल से 7 बजे तो फोन किया, तो फिर पता चला कि चोट लगी है, आए घर से। इलाज या तमाम चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें दुरुस्त हैं। हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुंचे तो चार दोस्त से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम, जब स्टार्टिंग में तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक रख के आगे तक पहुंचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुंचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो तोड़ हम जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते थे, फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे, हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। हाँ, ये जो अभी ये साथ के हैं जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियाँ जो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए, यहाँ माटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, एक हम एक 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 पेट्रोलिंग की कार वो गाड़ी जला रखी है और एक ट्रैक्टर जला रखा है, नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है और बहुत सारी गाड़ियाँ जला रखी, बाइकें जा रही है रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से, उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, तो वहाँ से उनने बहुत लोगों को आग भी लगा दी उधर को रस्तों में और उसमें, और गोलियां मार रहे थे वहाँ से। मुझे तो चोट नहीं आई क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था और शील्ड थी और हम फर्स्ट टुकड़ी में चल रहे थे। कितने लोगों को बचा के लाया अपने साथ आप वहाँ? हम पूरी टुकड़ी जो है, हम जितने हम लोग गए थे, जो फर्स्ट टुकड़ी हमारी थी, वो सभी लोग बच के आए हम, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन इसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है, बहुत लोगों का लगा, लेकिन हम लोग जितने भी आए हम सेव आए। अभी भी कुछ साथी फंसे हैं आपके वहाँ? अभी तो कुछ पीछे के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, हम लोग तो अभी आ रहा हूँ लास्ट में, अभी भी वहाँ गोलीबारी चल रही थी। अबे बहुत ज़्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया, जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन ख़राब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो
अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा।